हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस फॉर आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्जामिनेशन। काफ़ी सारे लोग इस समय अपनी एग्जाम डेट्स को लेकर परेशान हैं, लेकिन मेरा सजेशन आपसे रहेगा आप साथ साथ अपनी तैयारी भी करते जाओ, जिससे जिस भी दिन आपका एग्ज़ाम हो आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हो एंड आप इजीली उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ। फटाफट पहला सवाल देखते हैं। मैं आपको 2 से 3 सेकेंड दूंगा आंसर को गेस करने के, उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे परेड ऑफ 2020। ये एग्ज़ाम कोई सा भी हो, ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप एसएससी का एग्ज़ाम देने जाएं, चाहे आप कोई बैंक का एग्ज़ाम देने जाएं, चाहे आप कोई रेलवे का एग्ज़ाम देने जाएं। ये पूरे 2020 में सवाल इंपॉर्टेंट है, इसे आपको पता होना चाहिए, थोड़ी डिटेलिंग भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने आंसर गेस करा है प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील जो कि जायर बोल्सोनारो है, तो बिल्कुल सही आंसर है। 38th प्रेसिडेंट है ब्राज़ील के, 38th प्रेसिडेंट है। एंड इससे जुड़े कुछ सवाल और बन सकते हैं, जैसे कि कैपिटल ऑफ ब्राज़ील बताओ तो ब्रासीलिया होगा। इस टाइप की आपको कोशिश ये करनी है कि आपने देखा होगा काफ़ी सारे एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, आपके कंट्री से काफ़ी सवाल बनते हैं, तो वो जो भी न्यूज़ में होता है इंसान वो कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है वो मैटर करता है, इसलिए ब्राज़ील आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक ये सवाल बन सकता है कि लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड कौन सी कंट्री में बिलोंग करती है, तो आप कहेंगे अमेजोन है, जो कि ब्राज़ील के अंदर ही उसका मेजर पार्ट ऑफ द बेसिन है। अगला सवाल देखते हैं। विच इंडियन वॉज अवॉर्डेड द क्रिस्टल अवार्ड ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आपको मैं 3 सेकंड देता हूं इसका आंसर देने के लिए। कुछ मैं आपसे और भी डिस्कशन यहां पे करना चाहूंगा आंसर देने से पहले। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो इस साल हुई है वो कहां पर हुई है, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है। अगर आपने आंसर स्विट्ज़रलैंड दिया है तो बिल्कुल सही आंसर है। स्विट्ज़रलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल मीटिंग 2020 की हुई है वो कंडक्ट कराई गई है, एंड इसके अंदर जो क्रिस्टल अवार्ड है वो 4 लोगों को मिला है, जिसमें जो इंडियन है वो है दीपिका पादुकोण, इनके अलावा भी थियास्टर गेट्स, जिन जिंग और लाइनेट वॉल्वर्थ को मिला है। टोटल 4 जने हैं, जिसमें जो इंडियन है वो आपके हैं दीपिका पादुकोण। ये अपनी अपनी फील्ड में जो आर्टिस्टिक फील्ड्स होती है उसके अंदर एक्सेल करने में एंड ओवरऑल डेवलपमेंट में ये अवार्ड दिया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। विच सिटी हैज़ बिन सिलेक्टेड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट डायनेमिक सिटी इन द JLL सिटी मोमेंटम इंडेक्स 2020। अगर आपने आंसर दिया है आपका हैदराबाद तो बिल्कुल सही आंसर है। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा डायनेमिक सिटी से चुना गया है। टोटल 126 जो शहर थे उनका एनालिसिस करा गया था जॉन्स लैंग लैसल सिटी मोमेंटम इंडेक्स में। JLL की आपको फुल फॉर्म बता दूँ, जॉन्स लैंग लैसल इन, और उसके अंदर हैदराबाद को पाया गया है रैंक 1 पे, यानी वर्ल्ड्स मोस्ट डायनेमिक सिटी। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स आर गिवन टू चिल्ड्रन बाय विच मिनिस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर आपको नीचे गिवन है, चिल्ड्रन वेलफेयर काउंसिल ऑफ इंडिया। चिल्ड्रन वेलफेयर काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो देता है नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स बच्चों को, उनका आप कहोगे कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, ओवरऑल उनका फ्यूचर डेवलप करने के लिए एंड उनके वेलफेयर के लिए। अगला सवाल देखते हैं। What is the estimated rate of growth of the Indian economy in the current financial year by the IMF? ये सवाल ऐसा सवाल हर बार बनता है, किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा ये सवाल। आंसर है 4.8%। और इसके अलावा मैं आपको ये और बताना चाहूँगा, जो IMF है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ए Washington DC USA, बी न्यूयॉर्क USA, सी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, या डी रोम इटली। फटाफट से आप आंसर गेस करें। अगर आपने आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए Washington DC USA, तो बिल्कुल सही आंसर है। IMF का जो हेडक्वार्टर है वो है Washington DC USA के अंदर। अगला सवाल देखते हैं। What is the theme of NIC Tech Conclave 2020? यहाँ पे थीम के अलावा भी आपसे काफ़ी सारी मैं बात करने वाला हूँ कि कहाँ पे हुआ है, किसने इनॉग्रेट करा है। सबसे पहले मैं आपको थीम बता देता हूँ। थीम था टेक्नोलॉजीज फॉर नेक्स्ट जेन गवर्नेंस। इसके अलावा मैं आपको ये और बताना चाहूँगा, जनवरी मंथ में ही कंडक्ट हुआ है दिल्ली के अंदर, एंड इसे इनॉग्रेट करा है आपका यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT रविशंकर प्रसाद ने। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। थीम पता होना चाहिए, प्लेस पता होना चाहिए, किसने इनॉग्रेट करा है ये पता होना चाहिए, और मेरे हिसाब से इससे काम बन जाना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं।
विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव द क्रिएशन ऑफ थ्री कैपिटल्स फॉर द स्टेट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है आपके पॉलिटिकल बेसिस पे भी, तो ये आपको पता होना चाहिए। थ्री कैपिटल्स कौन से राज्य के अंदर बनाने की बात चल रही है काफ़ी सारे टाइम से, जिसे अप्रूव कर दिया गया है सरकार के द्वारा? आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से जुड़े कुछ और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सीएम का नाम आप मुझे बताएंगे, सीएम का नाम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी। अभी अभी कुछ टाइम पहले इलेक्शन हुए थे, तब से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है ये। और ये तीन कैपिटल्स बनाने का प्लान है इनका आंध्र प्रदेश के अंदर। जो जुडिशियल कैपिटल है वो कुर्नूल में होगी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो होगी विशाखापट्टनम में, एंड जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो होगी अमरावती में। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो जुडिशियल कैपिटल है वो कुर्नूल में होगी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो आपकी होगी विशाखापट्टनम में। ये नाम आपको पता होने चाहिए। चार ऑप्शन आपको देके कह देगा, बताओ कौन सा ऐसा है जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है नहीं बनेगा। एक लेजिस्लेटिव कैपिटल है ये होगी आपसे अमरावती में, ये नाम आपको ध्यान रखना है। सीएम का नाम वाईएस जगन मोहन रेड्डी। अगला सवाल देखते हैं। Who has been appointed as the new MD, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है। अगर आपने आंसर दिया CS शेट्टी तो बिल्कुल सही आंसर है। इन्हें नया मैनेजिंग डायरेक्टर चुना गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जो कि आपका देश का सबसे बड़ा बैंक है। अगला सवाल देखते हैं। हसन डियाब वॉज रिसेंटली इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो कंट्री है उसकी कैपिटल और करेंसी भी आपको पता होनी चाहिए, और कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर आती है आपको ये भी पता होना चाहिए। अगर आपने आंसर दिया लेबनन तो बिल्कुल सही आंसर है। लेबनन की जो कैपिटल है वो है बीरट, एंड जो इसकी करेंसी है वो है आपकी लेबनीज पाउंड, या फिर आप सिंपली पाउंड के रूप में भी इसे याद कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। हु हैज़ बिन इलेक्टेड द प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज? अगर आपने आंसर दिया आशीष गर्ग तो बिल्कुल सही आंसर है। आशीष गर्ग चुने गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, यानी IICS। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखो करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि बाकी सभी सब्जेक्ट्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी सब्जेक्ट्स की, रेलवे के सभी एग्जाम्स की तैयारी अपन अकेडमी प्लस पे एक सिंगल प्लान लेके कर सकते हो। बस आपको अन अकेडमी प्लस पे जाके अपना प्लान चूज करना है। आपने अगर रेलवे एग्जाम्स में तैयारी करनी है, आप रेलवे को यहाँ से चूज करके पेमेंट करते समय आप डिस्काउंट कोड लगा सकते हो PMYT। जैसे ही आप PMYT बिना स्पेस के लिखोगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे वो UPSC है, SSC है, बैंकिंग है, सभी कैटेगरीज में सेम डिस्काउंट कोड आपको लगाना है PMYT, एंड आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक यू सो मच।